हेलो गाइस, कई बार क्या होता है कि हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हैं और वीडियो अपलोड करने के बाद भी उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें इस बात का पता पड़ता है कि वो जो वीडियो है उसमें कुछ ऐसा अनवांटेड पार्ट था जो हमें वहाँ पर नहीं डालना चाहिए था। तो यार आप काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि आप उस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए हैं। अनवांटेड पार्ट है, आप उसे वहाँ से आसानी से हटा सकते हो दोस्तों। इससे आपका जो व्यू है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आपका वॉच टाइम है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपको अच्छी तरह सिखाऊंगा कि आप उस अनवांटेड पार्ट को कैसे हटा सकते हो। और अगर मान लीजिए उसमें कोई ऐसा फेस है जिसे आप वहाँ पर है ना ब्लर करना चाहते हो उसके बाद में, तो आप उसे ब्लर भी कर सकते हो। तो यार दोस्तों, ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप इसको अच्छी तरह सीख सकें और आपको कुछ फ़ायदा हो। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ ये जो एडिटिंग है ये आपको कैसे करनी है। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई भी वीडियो है, तो जैसे दोस्तों मेरा ये वीडियो है, आपको यहाँ पर एक पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मेरे को क्लिक कर देना है। गाइज इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने का ऑप्शन आएगा एडिटर का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप एडिटर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यार आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर लिखा होगा ट्रिम। उसके बाद में दोस्तों एक और ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, वो है दोस्तों म्यूजिक का, और उसके बाद में दो ऑप्शन और हैं, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको अच्छी तरह बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रिम क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए ऐसा हमारा कोई वीडियो का पार्ट है अनवांटेड जिसे हम हटाना चाहते हैं और वो पार्ट छोटा है या फिर बड़ा है, दोस्तों हम उसे आराम से ये जो आपके सामने ऊपर ऑप्शन आ रहा है ट्रिम का, हम दोस्तों उससे आराम से इसे हटा सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रिम वाला, इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद में ये जो आपके सामने एक छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। जहाँ तक आपको आपका वीडियो ट्रिम करना है आपको इस लाइन को वहाँ तक ले आना है, और उसके बाद में ये जो उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइज आप इस पार्ट को स्प्लिट करोगे तो जो इसका आपने पार्ट स्प्लिट किया है वो वाला पार्ट प्ले नहीं होगा। जैसे मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, इस तो ये जो मेरा वीडियो है ये दोस्तों सीधा वहाँ से चालू हो रहा है, जो मैंने पार्ट स्प्लिट किया है वो वाला पार्ट यहाँ से हट गया, यानी वहाँ से ये ओके नहीं हो रहा है। तो आप जैसे कि दोस्तों वीडियो में देख पा रहे हो बिल्कुल, अब ये जो आगे वाला पार्ट है ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं प्ले हो रहा है। जैसा कि गाइज मान लीजिए जो आपका वीडियो है वो काफ़ी बड़ा है और आप उसमें से जो इसके मल्टी पार्ट पार्ट्स हैं आप उनको वहाँ से स्प्लिट करना चाहते हो, तो यार दोस्तों आप उसको आराम से कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले जो मैंने इसको स्प्लिट किया था मैं इसको अंडो कर देता हूँ क्योंकि ये हमें नहीं रखना है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि आप दोस्तों मल्टीपल जो इसके पार्ट हैं आप उनको स्प्लिट कैसा कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। दोस्तों फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मुझे ये जो इस वीडियो का पार्ट है वो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे हटाना है, और उसके बाद में दोस्तों ये जो इसका आगे का थोड़ा सा और पार्ट है वो भी मुझे हटाना है, तो यार इसके लिए मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों जैसे गाइज मैं ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और ये जो आपके सामने कर्सर दिखाई दे रहा है उसे थोड़ा सा आगे खींच लूँगा। तो यार दोस्तों जैसा कि आप देखोगे कि ये जो इसका बीच वाला पार्ट है इसको मैंने यहाँ से लेकर और इसको यहाँ तक मैंने ट्रिम कर दिया है, तो ये क्या होगा दोस्तों ये जो इसका बीच का पार्ट है और जब हम हमारे वीडियो प्ले करेंगे तो ये वाला पार्ट वहाँ से हट जाएगा। जब भी हमारा वीडियो ऑनलाइन चलेगा तो ये वाला पार्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको आराम से ट्रिम कर सकते हो, और इसके जो भी कोई मल्टीपल पार्ट्स हैं या तो वो आगे है या बीच में है या फिर सबसे लास्ट में है, तो आप उसे आराम से हटा सकते हो। और दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर ये जो सेव का बटन आ रहा है उसके ऊपर जाके आपको इसको सेव कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसको सेव करोगे तो ये दोस्तों थोड़ी देर के बाद ये अपने आप ही उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और ये वहाँ पर सेव हो जाएगा। चलिए गाइज अब आपको बताते हैं कि आप अपने वीडियो में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करना चाहते हो या फिर कोई और म्यूजिक इसमें डालना चाहते हो तो वो भी आप अपने वीडियो के अपलोड होने के बाद आराम से डाल सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपके सामने ये जो म्यूजिक का निशान आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यार गाइज आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो यूट्यूब की म्यूजिक लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाएगी। YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी ओपन होने के बाद आप इसमें से कोई भी म्यूजिक को ऐड कर सकते हो। दोस्तों ये जो म्यूजिक हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला म्यूजिक लेना है तो आप इसको पहले आराम से प्ले करके देख सकते हो और उसके बाद आप इसको आराम से ऐड कर सकते हो। तो यार दोस्तों आप इसको आराम से यहाँ पर पहले प्ले करके देखिए, अगर ये म्यूजिक आपको अच्छा लगे तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर लेना। तो यार दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक किया है, दोस्तों इसके नीचे देख सकते हो ये जो इसकी म्यूजिक है ये एकदम पूरी की पूरी टाइमलाइन के अंदर ओके हो गया है। और लेकिन दोस्तों हमें चाहिए कि ये जो म्यूज़िक है ये सिर्फ हमारा जो इंट्रो है उसके अंदर ही बजे, तो यार हम इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। दोस्तों हमें इसको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इसको खींच के आगे ले आना है। दोस्तों हम इसको जैसे ही आगे खींच के लाएंगे तो आप देख रहे हो
ये जो इसका म्यूज़िक है ये एकदम छोटा हो गया, और अगर हमें चाहिए जो इसका लेवल है वो काफ़ी हाई है तो हम इसका लेवल भी दोस्तों कम कर सकते हैं। आपको सामने जो थ्री डॉट आ रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना है, और ये जो आपके सामने लेवल का ऑप्शन आ रहा है इसको आपको यहाँ पर एकदम कम कर देना है। तो यार दोस्तों इस तरह से जो आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो यहाँ पर आराम से ऐड हो जाएगा। और दोस्तों आप जो उसका लेवल है वो हाई भी कर सकते हो और लो भी कर सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदे की बात है। और दोस्तों उसके बाद में दूसरी बात ये आती है, अगर आप यहाँ पर एक और म्यूज़िक जोड़ना चाहते हो यानी आप इसके आगे ही एक और म्यूज़िक लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। आपको क्या करना है, ये जो आपके सामने म्यूजिक का निशान है इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ से एक और म्यूज़िक ले लेना है। तो आप दोस्तों देख रहे हो ये जो एक और म्यूज़िक हमारे टाइमलाइन के अंदर आ गया है। अब हमें चाहिए कि ये जो म्यूज़िक है जो हमारा पहला वाला म्यूज़िक था उसके आगे लग जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है और इसको खींच के आगे ले आना है। जैसे आप इसको आगे लाओगे दोस्तों तो अब ये जो आपके सामने म्यूज़िक है दूसरा वाला ये इसके बाद में ही प्ले होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी म्यूज़िक ऐड्स कर सकते हो। जो यहाँ के म्यूज़िक है वो बिल्कुल फ्री है, जो YouTube लाइब्रेरी की म्यूज़िक है वो बिल्कुल फ्री है, और दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे म्यूज़िक हैं जो आपको मिल जाएंगे आपके वीडियो के बैकग्राउंड के लिए। तो आप इसको यहाँ पर जाके सेव कर दोगे तो दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ी देर बाद में सेव हो जाएगा। तो यार दोस्तों ये वाला काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप अपने वीडियो को अपलोड करने के बाद भी उसमें और कोई दूसरा भी आराम से बैकग्राउंड को लगा सकते हो। सो गाइज अभी मैं यहाँ पर म्यूज़िक ऐड नहीं करना चाहता, तो मैं इसको वापस से अंडो कर देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके वीडियो में कोई ऐसा फेस है जिसे आप नहीं रखना चाहते तो दोस्तों आप उसको वहाँ पर आराम से ब्लर कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपके सामने जो नीचे ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है प्लस पर। आपको यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो आपको दिखाई देगा फेस ब्लर का और एक आपको दिखाई देगा दोस्तों कस्टम ब्लर का। दोस्तों ये जो फेस ब्लर का ऑप्शन है इससे आप मान लीजिए कोई भी फेस है आप उसको वहाँ पर आराम से ब्लर कर सकते हो। और एक दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने वो कस्टम ब्लर का, तो उसके अंदर दोस्तों आप वीडियो का कोई भी पार्ट को यहाँ पर आराम से ब्लर कर सकते हो। तो यार ये दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आप वहाँ पर कोई फेस नहीं दिखाना चाहते हो तो आप उसको आराम से ब्लर कर सकते हो, वो वाला फेस है जो वो आपके ऑडियंस होगी उसको नहीं दिखाई देगा। फिर गाइस हमारे सामने ये जो ऑप्शन आ रहा है कस्टम ब्लर वाला, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, जहां आपको दिखाई दे रहा है एक तो है दोस्तों टारगेट प्रोजेक्ट का और दूसरा है दोस्तों फिक्स ब्लर पोजिशन का। तो इसका क्या मतलब है, ये जो आपके सामने फिक्स ब्लर पोजिशन आ रही है इसका मतलब है ये है कि दोस्तों अगर इसे मान लीजिए आपने अपने फेस को वहाँ पर ब्लर किया है तो जो भी वो उसकी ब्लरनेस है वो बिल्कुल आपके फेस के ऊपर फिक्स हो जाएगी, यानी वो इधर उधर नहीं होगी, चाहे अगर आप अपना फेस इधर करो चाहे इधर करो लेकिन जो दोस्तों उसकी पोजीशन है वो बिल्कुल वहीं पर ही रहेगी। उसके बाद में दोस्तों एक ऑप्शन आता है ये आपके सामने जो है टारगेट ऑब्जेक्ट वाला, इसमें क्या है दोस्तों अगर आपका फेस इधर उधर होता है अगर आप हिलते डुलते हो तो उसके साथ में ही जो आपका मान लीजिए ब्लरनेस है वो आपके साथ में ही रहेगी। अगर जैसे मान लीजिए आप कहीं आगे जाते हो तो आपने जैसे मान लीजिए अपने फेस को ब्लर किया है तो वो भी आपके साथ साथ ही आगे जाएगा। तो यार दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपने मोस्टली वीडियो में देखा होगा जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी का फेस को ब्लर करता है और वो इंसान आगे या पीछे चलता है तो जो उसका ब्लर होता है वो भी उसके साथ साथ चलता है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं टारगेट ऑब्जेक्ट। तो यार ये वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, आप इसको अपने वीडियो में आराम से यूज़ कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों जो आज का वीडियो है वो आपको आराम से समझ में भी आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा।